वेलकम टू ऑलमोस्ट टेक्सो गाइस। आज के वीडियो में बात करेंगे ओप्पो F19 प्रो प्लस 5G जो डिवाइस है, इस डिवाइस के लिए जुलाई मंथ के न्यू अपडेट को ऑफिशियली कब तक रोल आउट किया जाएगा, क्या कुछ उसमें देखने को मिलेगा, क्या आपको उस अपडेट के साथ में ऑडी कस्टमाइजेशन इज लाइटिंग का फीचर्स देखने को मिलेगा या फिर नहीं, सारी कुछ डिटेल शेयर करूंगा। वीडियो को स्टार्ट से तक जरूर देखिएगा ताकि दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं ओप्पो F19 प्रो प्लस 5G डिवाइस के न्यू अपडेट के बारे में। अगर आपका डिवाइस भी एंड्रॉइड 12 और प्लस 12 ऑफिशियल अपडेट पर रन कर रहा है तो आपको आपके डिवाइस के सेटिंग में आना है। सेटिंग में जाओगे, सॉफ्टवेयर पर क्लिक करोगे, वहाँ पर आपको आपके डिवाइस को लेटेस्ट अपडेट में अपडेटेड करके रखना होगा, तभी आपको जुलाई मंथ का न्यू अपडेट देखने को मिलेगा। तो आपको ये अपडेट कब तक देखने को मिलेगा, उस अपडेट के साथ में आपके डिवाइस में न्यू वर्जन को प्रोवाइड किया जाएगा। डिवाइस में लेटेस्ट सिक्योरिटी पेच अपडेट देखने को मिलेगा जो कि जुलाई मंथ तक आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपके डिवाइस में जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं उन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। डिवाइस की स्मूथनेस परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर दिया जाएगा। यहाँ पर इस अपडेट को यहाँ पर जुलाई के लास्ट वीक से पहले पहले कभी भी रोल आउट किया जा सकता है, तो आपको एक्टिव रहना है। अब बात कर लेते हैं क्या उस अपडेट के साथ में आपके डिवाइस में AOD कस्टमाइजेशन और लाइटिंग का फीचर्स देखने को मिलेगा। तो मैंने इसके रिगार्डिंग कस्टमर केयर से कई बार बात की है। यहाँ पर एक डिवाइस था ओप्पो F17 प्रो, उसमें तो यहाँ पर AOD कस्टमाइजेशन इज लाइटिंग का फीचर्स कब से देखने को मिल गया है और इस डिवाइस में भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, पर इस डिवाइस में अभी तक AOD कस्टमाइजेशन इज लाइटिंग का फीचर्स अभी तक देखने को नहीं मिला है। काफ़ी सारे यूजर्स यार वेट कर रहे कि इस फीचर को कब तक प्रोवाइड किया जाएगा, तो कंपनी ने बताया कि इस पर अभी वर्क हो रहा है। तो ये अपडेट में आपको जो भी न्यू अपडेट देखने को मिलता है उसमें आपको मेंशन किया जाएगा। जो आपको जून मंथ का अपडेट देखने को मिला था उसमें आपको ये अपडेट देखने मतलब ये फीचर्स देखने को नहीं मिले थे, तो अब आपको जुलाई मंथ का जो भी न्यू अपडेट आएगा उसमें आपको एक एक करके ये फीचर्स को ऐड किया जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको आपके डिवाइस को लेटेस्ट वर्जन में अपडेटेड करके रखना है, तभी आपके डिवाइस में न्यू अपडेट शो होगा। तो फिर आपको उसे अपडेट करना है, फिर आपको पर्सनलाइजेशन सेक्शन में चेक करना है। सेटिंग में जाके पर्सनलाइजेशन सेक्शन में वहाँ पर आपको AOD कस्टमाइजेशन और लाइटिंग का फीचर्स देखने को मिल जाएगा। यार इस पर मैं इतने तक, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अधिक इन्फॉर्मेशन का हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।